और ये भी जानती हूँ कि हाशिम कबीर को अपना भतीजा नहीं बेटा समझता है। यार तुम उनसे इतना बदजन क्यों हो? बहुत प्यार करते हैं वो तुमसे। सब दिखावा है। सब कुछ सही था वहां, बस एक लड़का था जो लड़का था। भाई पूरी बात तो बताओ। दूसरी बात यह कि मैं सियासतदान जरूर हूं, लेकिन अगर वादा कर लूं तो वफा करता हूं। हम सियासतदानों पे यकीन तो नहीं करते, लेकिन चलिए अगर आप इतने यकीन से ये बात कह रहे हैं तो देख लेते हैं। बैठो बैठो। कैसी तबीयत है तुम्हारी? घबराओ मत, तुम हमारी हवेली में हो, मुझे जानती हो मैं कौन हूं। नहीं। कमाल है, मुझे जानते भी नहीं और अपनी जान पर खेल कर मेरी जान बचाई है। क्यों? रान अब अपनी जान बचने पे हो रहे हैं या मेरे जान बचाने पे? बाप खूब, बहादुर तो तुम हो ही, बातें भी कमाल करते हो।
बहादुरी भी आपने देखी कहाँ है, होश में होता ना तो उन तीनों के सारे आपके कदमों में रखता था। वाह, लगता है तुम्हारी और हमारी खूब बनेगी। तो ये है वो शख्स जिसने मेरे बाबा जान को दुश्मनों से बचाया। तुम्हारा ये एहसान हम कभी भी नहीं चुका सकते। बोलो क्या चाहिए तुम्हें, जो मांगोगे मिलेगा। कमाल है, मैं तुम्हें इनाम देने की बात करी और तुमने मुंह ही फेर लिया। अब्बा जान ये बोलते नहीं है क्या? बोलते हैं, बस थोड़ा सा अजीब आदमी है, समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। मालिक। तुम जाओ बेटा अपने कमरे में। ठीक है अब्बा जान। हाँ। उसने अपना मुंह खोल दिया है। किसने? यूसुफ ने। तो ये सब कुछ उसने यूसुफ के कहने पे किया है? जी मालिक। कल का सूरज निकलने से पहले पहले हर कीमत पर यूसुफ मुझे अपने कदमों में चाहिए। जो हुक्म मालिक। परेशान न हो, तेरे खून के एक एक कतरे का हिसाब लूंगा। मिलते हैं बाद में। बता क्यों हमला करवाया तुमने मालिक पर? बोल। कुछ नहीं बोलेगा। पिछले 15 सालों से हम एक ही धंधा कर रहे हैं। तुझे हमेशा मैंने अपने छोटे भाइयों की तरह रखा। जहां जहां तू फंसा मैंने तेरी मदद की, तेरी जान बचाई, और तेरे लिए मैंने बहुत से लोगों से दुश्मनी भी ली। ये सलाह दिया तूने मुझे। 15 सालों से आपके इशारों पे नाचता रहा, मगर आपने आगे नहीं बढ़ने दिया, हमेशा दबा के रखा, तरक्की भी नहीं करने दी, क्योंकि आपको डर था कि कहीं मैं बड़ा आदमी ना बन जाऊं। इसलिए मैंने मारना चाहा आपको, क्योंकि जीते जी आप मुझे बड़ा आदमी नहीं बनने देंगे। इसलिए मैंने सोचा कि आपको मारकर बड़ा आदमी बन जाऊं। तूने मुझे समझाया और ना ही समझने की कोशिश की। अगर समझ जाते तो नौबत यहां तक न पहुंचती। जो तूने किया अच्छा किया, अब जो मैं चाहूंगा वो करूंगा। तेरा मेरा इतना पुराना साथ है, अब मैं तुम्हें किसी और के हाथों मरने नहीं दूंगा। तेरे लिए मैं ये कर सकता हूं कि तुझे अपने हाथ से गोली मार दूं।
कैसे महसूस कर रहे हो अब? जी बेहतर है। अच्छा, काफी दिन हो गए तुम्हारे घर से तुम्हें मिलने के लिए कोई नहीं आया। क्या तुमने उन्हें खबर दी है कि तुम यहां पर हो? जरूरी नहीं है जी। क्या जरूरी नहीं, इतला या घर वाले? दोनों। तुम कौन हो, किस इलाके से आए हो, तुम्हारे घर में कौन कौन है, ये सब बताना पड़ेगा। अपने घर का एड्रेस बताओ। जिसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। तुम्हारा माजी क्या है? जब तक हम ये सब जान नहीं लेते, हम तुम्हें अपने साथ धंधे में शामिल नहीं कर सकते। ठीक है जी, अगर इतना जरूरी है वो, तो फिर आप मुझे नौकरी पर ना रखें। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। तुम जाना चाहो तो जा सकते हो, हातिम तुम्हें छोड़ आएगा। रुको जी, आपसे मैं अकेले में बात कर सकता हूँ? जो बात करनी है सबके सामने करो। तुम दोनों बाहर जाओ। भाई साहब, कहा ना। बोलो, क्या बात करनी है जी? अगर आप चाहते हैं मैं आपके पास काम करूं, मेरी एक शर्त है, मेरे माजी का कोई सवाल नहीं पूछेंगे आप। और आपकी तरफ आने वाली हर मुसीबत मैं अपने सीने से झेलूंगा। आपके बंदों ने आपको 10 साल में इतना मुनाफा दिया है ना, 1 साल में पूरा करके दूंगा। जे अगर ना किया, आपकी ये पिस्तौल होगी और मेरा सर। ठीक है, मुझे मंजूर है। चलाना आता है? मेरी मारना भी नहीं आता था, सीख लिया, ये भी सीख लेंगे। हाँ, सीख जाएगा तू। भाई आ जाओ। हाँ, ये वही पिस्टल है ना जो बड़े मालिक ने आपको पहली बार दिया था? बड़े मालिक की याद आ रही है? याद उनको करते हैं जो भूल जाते। मैं तो कभी उन्हें भूल ही नहीं सका। आज मैं जो कुछ भी हूं उन्हीं की वजह से। हमेशा कहते थे कि दिलावर मेरा जानशीन है, बड़ी मोहब्बत करते थे आपसे। मोहब्बत भी कई मर्तबा बड़ी जानलेवा साबित होती है। आपने बहुत कुछ किया उनके लिए, आपकी वजह से उनका यह अरूज था, वरना इससे पहले वो सिर्फ इसका ख्वाब देख सकते थे। हालांकि नवाज ने बड़ी कोशिश की थी कि बड़े मालिक को आपके खिलाफ कर सके। खूब याद दिलाया तुमने नवाज। तेरे मुंह से एक और लफ्ज निकला ना तो ये 6 की 6 गोलियां तेरे सर में डाल दूंगा। नवाज, खूब याद दिलाया तुमने नवाज। भाई साहब, मुझे एक बात समझ में नहीं आई।
यह नवाज आपके इतने खिलाफ क्यों था? खिलाफ होने की भी कोई ना कोई वजह जरूर होती है, और यकीनन उसके पास कोई ना कोई वजह जरूर है। मुझे आज भी याद है जब आपने नवाज को थप्पड़ मारा था, कैसे तिलोला उठा था। जो मेरे दिल में आएगा मैं वो करूंगा। तुम कौन होते हो मुझे हुक्म देने वाले? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, इलाका मेरा है, इधर कोई मदाखलत नहीं करनी। और अगर मैंने की तो क्या कर लोगे तुम? बर्दाश्त नहीं करूंगा, भूल जाऊंगा तुम कौन हो। धमकी दे रहे हो मुझे? मैं धमकी नहीं देता, जो कहता हूं ना वो करके दिखाता हूं। जुमा जुमा 8 दिन नहीं हुए तुम इस धंधे में आए हुए, और तुम मुझे आंखें दिखा रहे हो? 2 कौड़ी की औकात नहीं तुम्हारी मेरे सामने। मालिक ने तरस खाकर तुम्हें काम पर क्या रख लिया, तुम हमारे सर पर चढ़कर नाचने लगे हो, इसलिए तुम अपने घर वालों का नहीं बताते। अगर ये तुम्हारा बाप कौन है? ए! तेरे मुंह से एक और लफ्ज निकला ना तो ये 6 की 6 गोलियां तेरे सर में डाल दूंगा। मारेगा तू तब जब खुद जिंदा बचेगा। ये क्या हो रहा है? बंदूक नीचे करो। मालिक ये मुझे मारने की धमकी दे रहा है, 2 कौड़ी की औकात नहीं उसकी, आपने इसे सर पर चढ़ाया हुआ है। दिलावर बंदूक नीचे कर ले, मैंने कहा ना बंदूक नीचे कर ले। दिलावर तुमने सुना नहीं, बंदूक नीचे कर लो। जा चला जा। जब मैंने तुम दोनों के इलाकों को तकसीम कर दिया था तो फिर एक दूसरे के इलाके में दाखलत क्यों की? जब ये सेठ अमीर लोग हमारा हिस्सा हमें वक्त पर दे देते हैं तो फिर इन्हें डराने धमकाने की जरूरत क्या थी? मैं तो बस उनके दिल में डर बिठाना चाहता था। मुझे उनके दिल में डर पहले का ही था, ये उन्हें बगावत करने पर मजबूर कर रहा है। तुम्हारा कहने का ये मकसद है कि मैंने ये सब कुछ जानबूझ के किया? सही कह रहे, हमारा काम डर को पैदा करके रखना है, डर खत्म करना नहीं है। मुझे हैरत है दिलावर इतने कम अरसे में सारा काम सीख गया, तो तुम इतने सालों से काम नहीं सीख सके। आइंदा ऐसी गलती नहीं करते, समझे? और आइंदा अगर मेरे घर वालों के बारे में या मेरे बाप के बारे में बात की ना तो तेरे मुंह से निकला आखिरी लफ्ज होगा। देखा आपने, आपके सामने मुझे मारने की बात कर रहा है। सही तो कह रहे, जब तुम किसी की जातियात में दखल अंदाजी करोगे वैसे ही करोगे। तुम बस अपने काम पर ध्यान, दोबारा गलती नहीं कर। जी भाई साहब, जाओ। दिलावर अपने गुस्से पे काबू पाना सीखो, वरना इर्द गिर्द के लोग इसे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। तुम्हें देखकर मुझे अपना बचपन और जवानी याद आ जाती है। जब मैं तुम्हारी उम्र में था तो बिल्कुल तुम्हारी तरह नडर और दलीर होता था, लेकिन वक्त ने आहिस्ता आहिस्ता मुझे सिखा दिया ज्यादा दिलेरी
ज्यादा दुश्मनी पैदा करती है। तुमने अभी बहुत आगे जाना है, जोश में कोश समझे। वैसे दुश्मनियों की फिक्र नहीं है मुझे, वरना मैं इस काम में ना आता। समझने की कोशिश करो दिलावर, अगर लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो हर बार जीतने की कोशिश नहीं करनी। अगर हर बार जीतने की कोशिश की तो लोग तुम्हें रास्ते से हटाने की कोशिश करेंगे, बिला वजह की दुश्मनियां बढ़ेंगी। जोश में होश रखो जी। जाओ। हाशिम, मुझे पैसे भेजे थे, मिल गए? हाँ लाला, मिल गए थे, लेकिन इतने सारे पैसे लाला तुम्हारे पास कहाँ से आ रहे हैं? मैं महीने पहले से ज्यादा पैसे भेज देते हो, आखिर तुम शहर में कर क्या रहे हो? और वक्त आने पे सब तुझे बताऊंगा, फिलहाल जैसा कह रहा हूँ ना वैसा कर, संभाल के रख पैसे और अम्मा का ख्याल कर। अच्छा लाला, मिलने कब आओगे? अम्मा तुम्हें बहुत याद करती है, उठते बैठते सिर्फ तुम्हारा ही नाम लेती है। याद तो मुझे भी बड़ी आती है अम्मा की, भला ठीक होएंगे तो आऊँगा ना। अच्छा लाला, अम्मा से क्या कहूँ? तू अम्मा को बोल के लाला दुबई चला गया है तो कुछ अरसे बाद लौटेगा। अच्छा, एक बात पूछूँ तुझसे? पूछ। कहीं तू कोई गैर कानूनी काम तो नहीं कर रहा ना? छोटे, कानून सिर्फ कमज़ोरों के लिए होता है, रुपया पैसा हो ना, कानूनी गैर कानूनी सब एक है। मुझे तेरी बातों से बहुत खौफ आ रहा है लाला, कहीं तू गलत रास्ते पर ना निकल पड़े। अरे सुन, मुझे जरूरी काम से जाना है, अम्मा ख्याल रखी, अल्लाह हाफिज। क्या बात है, कोई नाराज किया मुझसे? मैं भला आपसे क्यों नाराज हूँ? तो फिर बात क्यों नहीं करते हो मुझसे? जब भी मिलते हो कतरा आकर गुजर जाते हो, एक ही हवेली में रहते हुए बिल्कुल अजनबियों की तरह पेश आते हो मुझसे। वो मालिक इंतजार कर रहे हैं मेरा, बुला रहे मुझे। बहाने मत बनाओ, मैं जानती हूँ अब्बा हवेली में नहीं है, बाहर गए हैं वो। जवाब दो, क्यों बात नहीं करते मुझसे? गलत कर रही हैं आप ये सब। क्या गलत है? तुम्हारा रास्ता रोकना गलत है, तुमसे बात करना गलत है, या तुम्हें पसंद करना गलत है? गुस्सा आ रहा है, चाहो तो थप्पड़ मार लो। छोड़ नहीं है जी, क्यों मारा? मैं जोर तोड़ की कायल नहीं हूं। आप दिन और रात, किसी लम्हे में आकर रात और दिन भी एक हो जाते हैं। आप समझ भी नहीं रही है, आपको मुझसे हजार गुना बेहतर इंसान मिल जाएगा, मैं आप पे काबिल नहीं हूं। तुम काबिल हो, इसीलिए इस वक्त मेरे सामने खड़े हो। आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है? मैं पसंद करती हूँ तुम्हें, तुम पर वारी जा रही हूँ, और तुम हो कि तुम्हारी अकड़ ही नहीं कम हो रही। अकड़ नहीं है जी, मालिक का नमक खाया, मालिक ने अपनी हवेली में और अपने दिल में हमें जगह दी है। नमक हरामी नहीं कर सकता। ये नमक हरामी नहीं है दिलावर,
मैं पसंद करती हूँ तुम्हें। अगर तुम भी मुझसे मोहब्बत। इसके बारे में मैं और कोई बात नहीं करना चाहता। इज्जत है आप मालिक की और उनकी इज्जत की हिफाजत करना मेरा फर्ज है। ऐसी कोई हरकत कभी नहीं करूंगा जिसकी वजह से मैं मालिक की नजरों में गिर जाऊं। इजाजत है। दिलाओ। पूरे इलाके में हमारा नाम है। हर कोई हमसे हाथ मिलाकर रखना चाहता है। मैं जानता हूं कि एक दिन आएगा जब पूरे शहर में हमारा नाम होगा। मालिक, मैं आपकी कामयाबी के लिए अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। तो इससे यही उम्मीद है। मैं जानता हूं मेरे पास हुक्म का इक्का है और मेरी ख्वाहिश है कि आज से मेरा सारा कारोबार दिलावर संभाले। दिलावर? ये क्या कह रहे हैं आप? वही जो तुम सुन रहे हो। और मैं? मतलब ये कि जो इतने सालों से मैं आपके साथ हूं मुझे कुछ नहीं मिलेगा, या आपको मुझ पर अब यकीन नहीं रहा? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। और रही बात यकीन की, तो तुम सिर्फ बोलते हो और दिलावर का काम बोलता है। पागल बना रहा है वो आपको। उसने आपकी आंखों पर अपनी मक्कारी की पट्टी बांध रखी है। मुझे पता है कि आप अपनी नहीं उसकी जुबान में बात कर रहे हैं मुझसे। आपके लिए अच्छा होगा आवाज नीची रख के बात करें। मालिक के साथ ऐसी गुस्ताखी मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। अच्छा, तो आप तू भी मुझ पर हुक्म चलाएगा? ये मेरा और उनका जाती मामला है, तुम्हें बीच में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है, समझे? सोचता हूं दिलावर को जान से मार दूं। देखो, दिलावर में तमाम वो खूबियां हैं जो एक बाप अपने दामाद में देखना चाहता है। मालिक का हर मामला हमारा जाती मामला है और हातिम के कम कहे को ज्यादा समझो, क्योंकि अगर मैं समझाने पे आया ना तो मुझे कोई नहीं समझा पाएगा। मालिक, आप देख रहे हैं मुझसे किस तरह बात कर रहे हैं? आप कुछ कहते क्यों नहीं इनको? तू जा। मालिक, अगर आप इजाजत दें ना तो। दिलावर, तुझे मैंने पहले भी कहा था कि अपने गुस्से पे काबू पाना सीख। हमारे कारोबार में ये होता रहता है और नवाज वैसे भी कम दिमाग का है, समझ रहे? कुत्तों की तरह हर बात पर जी जी करते पीछे पीछे दम मिलाता रहा हूं। कई बार अपना थूका चाटना पड़ा ताकि भाई साहब खुश हो जाएं। पता नहीं हर बात में भाई साहब को नुक्स क्यों नजर आता है। मगर दिलावर के आने से पहले तो कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ। यही तो मैं कह रहा हूं। उसने पता नहीं भाई साहब को कौन से गीदड़ सिंह की सुंघा दी है कि हर वक्त उठते बैठते उसके नाम की माला जपते रहते हैं। उसके अलावा उन्हें कुछ नजर ही नहीं आता। अगर ऐसा ही है तो तुम क्यों नहीं उनको गीदड़ सिंह की सुंघाते? इस बात की तो मुझे समझ नहीं आ रही।
सोचता हूँ दिलावर को जान से मार दूँ। तो मार दो फिर, इंतजार किस बात का, एक तालाब में एक ही मगरमच्छ रह सकता है। लेकिन भाई साहब, अगर दिलावर को मारूंगा तो सीधा शक मुझ पर जाएगा। उसका भी हल है मेरे पास। कौन सा हल? बड़ा मान है ना भाई साहब को दिलावर पर, तो पहले उसका मान तोड़ो। भाई साहब को दिलावर के इतना खिलाफ कर दो कि वो खुद तुम्हें हुक्म दे उसको मारने का। लेकिन कैसे? भाई साहब की जान उनकी बेटी में है ना। हाँ। तो कुछ ऐसा मंसूबा बनाओ कि उनकी बेटी पे हमला हो और सारे के सारे सबूत दिलावर के खिलाफ जाएं। अरे वाह सलीम शहजादे वाह, क्या मंसूबा बताया तूने यार, ये बात मेरे भेजे में क्यों नहीं आई? अब देख कैसे ऊंट पहाड़ के नीचे आता है, अब खेल बदलेगा, अब तू देखता जा होता क्या है। जिंदगी और शतरंज बिल्कुल एक जैसी होती है, अगर बगैर सोचे समझे कदम उठाया जाए तो मात हो सकती है। तुझे शतरंज आती है? नहीं मालिक। शतरंज तो सबको आती है, बस वफादारी नहीं आती जो तुझे आती है मालिक। अच्छा ये बताया कि दिलावर तुझे कैसा लगता है? ये भी कोई पूछने की बात है मालिक? दिलावर तो हीरा है हीरा, उसका कोई जोड़ नहीं है। इस हीरे को मैं अच्छी तरह परख चुका हूं और मैं इसे अपने सर का ताज बनाना चाहता हूं। मैं कुछ समझा नहीं मालिक। देखो दिलावर में तमाम वो खूबियां हैं जो एक बाप अपने दामाद में देखना चाहता है। मतलब आप दिलावर को? हाँ तुम सही समझे हो, मैं दिलावर को अपना दामाद बनाना चाहता। बहुत अच्छा फैसला है मालिक, छोटी बीबी जी और दिलावर की जोड़ी बहुत जचेगी। जानता हूं, दिलावर सिर्फ मेरी नहीं मेरी बेटी बानो की भी पसंद है। छोटी बीबी जी तो बहुत खुश होंगी, क्या आपने उन्हें इस फैसले के बारे में बताया है? बस डर मुझे इस बात का है, दिलावर कहीं इनकार न कर दे। इनकार का तो सवाल ही पैदा नहीं होता मालिक, जितनी वो आपकी इज्जत करता है वो आपको इनकार कर ही नहीं सकता, बाप मानता है वो आपको। सही कह रहे तू। अब दिलावर है कहाँ? फैक्ट्री में है, एक दो दिन से माल आगे पीछे कर रहा है, सोया भी नहीं है, शायद वहीं थक कर सो गया होगा। जब वो आए ना तो ये खुशखबरी उसे मैं खुद सुनाऊंगा। जरूर मालिक, कुछ काम है मैं जरा वो कर लूं। ऐसी बात नहीं है लाजो, तुझे देख देख के तो जीता हूँ, सबसे बढ़ के तुझसे मोहब्बत करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। नहीं ऐसी मैं बदकार चार डालने जो कोई ख्वाहिश ही ना पूरी कर सके, जिस पर तू अपनी जान छिड़कता ना वो तेरे काबिल नहीं है, प्यार व्यार नहीं करती वो तुझसे। तेनू मैं किया सी ना लाजो के बारे में कोई लफ्ज नहीं निकली तेरे मुंह से,
तेरी जान ले लूंगा अगर तूने झूठ बोलने की कोशिश की तो। मैं झूठ नहीं बोल रही दिलावर, अगर तुझे मुझ पे यकीन नहीं ना तो तू असलम के डेरे पे जाके देख ले। क्या कर रहा है दिलावर? नहीं नहीं दिलावर, प्लीज प्लीज। आज भाई साहब और उनकी बेटी हसबे मामूल गरीबों में खाना बांटने जाएंगे। गाड़ी ठीक उसी जगह पर रुकेगी जहां तुम सब पहले से मौजूद होगे। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, किसी को गोली नहीं लगनी चाहिए, सिर्फ डराना है। निकलो। खुश है ना मेरी बेटी? जी अब्बा जान। देखना, मैं अपनी बेटी की शादी इतने धूमधाम से करूंगा कि सारा शहर देखेगा। मैं अपनी बेटी के दिल के सारे अरमान पूरे करूंगा। ये क्या हो रहा है सलीम, गाड़ी क्यों झटके खा रही है? पता नहीं सर, उतर के देखता हूँ क्या मसला। देखो जल्दी देखो। जिसने भी हरकत की है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अब्बा जान कौन था? लग जाएगा, सब पता चल जाएगा। तो ठीक है ना? आस बंद कर अपनी, झूठा इल्जाम लगा ना तूने, इधर ही मार दूंगा। बैठकर बात करने का वक्त अब गुजर चुका है, अब सजा का वक्त है। तेरी मौत मेरे हाथों बहुत दर्दनाक होगी। अगर मर्दानगी दिखाने का इतना ही शौक है ना तो यूनिवर्सिटी छोड़कर किसी मैदान में जा, सारी मर्दानगी भी निकल जाएगी और जोश भी। अगर मैं मर्दानगी दिखाने पे आया ना तो तुम किसी को अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। सच पूछो तो बहुत अच्छा लगता है तुम्हें अपना करीब देखकर। इतने सालों में कई लोग आए चले गए।